मेरा क्लोज फ्रेंड कौन है? इन्होंने लिखा है इसने लिखा है शेख साहब वेरी गुड। लिखा है कायनात जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। भाई आज का व्लॉग बहुत फारग और मस्त अच्छा होने वाला है। हाँ जी, आज यार एक ना कमाल का कंटेंट लेके आया हूँ कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। टोटल जो है ना वो 10 सवाल है इसमें, ठीक है, दोनों पेपर्स में 10-10 सवाल है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। और इसके एक पेपर मेरे पास होगा, एक पेपर इनके पास होगा, जो सा सवाल होगा हम एक दूसरे से छुपा के जो है ना उसका आंसर लिखेंगे, देखते हैं कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। बड़े मजे के और फनी से जो है ना वो जवाब होंगे और सवाल भी बड़े अच्छे होंगे। साथ रहिएगा, शुगर लगाते हैं। मुझे नहीं लगता ये मुझे जानते हैं, फिर भी जानकारी अच्छी होती है, लिखे हैं सारे सवाल, अब देखते हैं ये मुझे कितना सा जानते हैं। और एक और बात, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, किसी किस्म का कोई धोखा नहीं होगा भाई। अगर सवाल सही होगा टिक लगेगा, अगर सवाल का जवाब जो है वो गलत होगा तो उस पे क्रॉस लगेगा। अब अरीबा वाला पेपर मेरे हाथ में, मोहसिन वाला पेपर उसके हाथ में है। मुझे खाने में क्या पसंद है, अब मैं इसकी तरफ से जवाब लिखूंगा कि इसको क्या पसंद है। चल भाई चीटिंग नहीं करनी, अगर इसने देखा चीटिंग की ये पकड़ी जाएगी। इसको खाने में क्या पसंद है, खाने में डन है। ऊंची बात से बोलो, डन है। मैंने तो लिख लिया। डन। हाँ जी। अच्छा भाई दूसरा सवाल, ये एक मिनट, फेवरेट कलर कौन सा है? यानी ये मेरा लिखेगी फेवरेट कलर, मैं इसका लिखूंगा। इसका पेपर मेरे हाथ में और मेरा पेपर इसके हाथ में। अच्छा अच्छा, वैसे जितनी देर हुई है ना इसके साथ रह के, चलो बंदा इतना तो पता चल ही गया ना क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। 2 साल की मेहनत है भाजी। अच्छा चौथा सवाल है जी, मेरी क्लोज फ्रेंड का नाम, इसकी क्लोज फ्रेंड का नाम और ये मेरे क्लोज फ्रेंड का नाम लिखेगी। जाहिर है बीवी को पता होता है हस्बैंड उसका कहाँ गया, किसके साथ ज्यादा रहता है, ये भी लिखेगी मैं भी लिखूंगा। अब जबकि इसकी शादी हुई है तो मेरे ख्याल से इसकी क्लोज फ्रेंड जो है वो पीछे रह गई है, इधर वाली जो क्लोज फ्रेंड तो नहीं है, कोई बनी नहीं है। हाँ जो उधर थी इसकी क्लोज फ्रेंड, मैं उसका नाम लिख सकता हूँ। मैंने तो लिख लिया। अब बातें करो। अच्छा भाई अब मैंने भी लिख ली। 5 सवाल, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से खुशी होती है, यानी मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी होती है और इसको किस चीज से होती है, मैं इसका लिखूंगा, ये मेरा लिखेगी। आपका जवाब मैंने लिख लिया, आपने मेरा लिखा। अच्छा अब 6 सवाल, किसके बगैर मैं नहीं रह सकता और ये किसके बगैर ये नहीं रह सकती। अच्छा भाई मैंने लिख लिया, आपने लिख लिया, जल्दी जल्दी बताओ भी आ गया, इधर आ जाओ। अच्छा भाई 7 सवाल, खाने में सबसे ज्यादा बुरी चीज कौन सी लगती है मुझे और इसको भी, इसकी मैं लिखूंगा और मेरी कौन लिखेगा, ऊंची बोलो, मैं लिख रही हूँ। अच्छा 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 लिख लिया। यार मेरा तो तुम्हें पता होगा, मुझे नहीं समझ आ रही, वेट चलो ट्राई करते हैं तुक्का मार के। अच्छा भाई 8 सवाल, कौन सा काम करते हुए मुझे मौत पड़ती है यानी कौन सा काम करते हुए मुझे गुस्सा चढ़ता है, यार है मैं नहीं करना, इसको कौन सा काम करते हुए होता है। मैंने तो लिख लिया। अच्छा भाई 9 सवाल है जिसकी ये बात कर रही है, क्या मैं सोते हुए खराटे मारता हूँ या लेता हूँ खराटे। अब इसका यार अब भाई आखिरी सवाल 10 सवाल, उसके बाद जो है ना हम एक दूसरे के आंसर जो है मैच करते हैं, देखते हैं किसके कितने सेम है, कौन किसको किस कदर ज्यादा जानता है। और अच्छा 10 सवाल, मुझे खुद में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, यानी आपको खुद में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। टाइम आप ये पकड़ लो। अच्छा अपना भी तो दे दें, आपका मैंने चेक करना है। और ले भाई ये रीबा वाला है, मैंने बहुत गंदा लिखा हुआ है और इसकी राइटिंग देखो तो ओह
था जी, मैंने तो लिखा था बिरयानी, इन्होंने आगे से लिखा है आलू बैंगन। हाँ तो सही लिखा है, आपको आलू बैंगन ही पसंद है। आलू बैंगन वाकई में सही बात है कि मुझे आलू बैंगन बहुत ज्यादा पसंद हुए, करते थे कभी। अगर तो भाई मेरा आंसर मुझे पसंद है, अगर भी पसंद है। अगर मेरा आंसर ठीक है तो आप टिक लगा लो, ठीक है? मैंने टिक लगा दिया। अच्छा भाई, दूसरा जो सवाल है वो ये था कि फेवरेट कलर कौन सा है। इसने लिखा है ब्लू, जबकि ब्लू नहीं है। टाटा बाय बाय काटा। मेरा इन्होंने लिखा हुआ ब्लैक, और ये ब्लैक कलर मुझे वाकई में पसंद है, इन्होंने सही लिखा है। तो टिक लगा लो फिर। लगा दिया। अच्छा तीसरा, मीठे में क्या पसंद है? इसने लिखा है फिरनी, और मैंने इन्होंने लिखा है बर्फी, और इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही, फिरनी। फिरनी मीठे में केड़ी चीज है? हाँ वैसे ठीक है, सही है। चौथा, मेरा क्लोज फ्रेंड कौन है? इन्होंने लिखा है इसने लिखा है शेख साहब। इसने लिखा शेख साहब, शेख साहब। वेरी गुड। लिखा है कायनात, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो छोड़ा यूं कहीं, उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल लिखा, मैंने उनको बताया हुआ था। पांचवा जो सवाल है वो ये है कि मुझे किस चीज से ज्यादा खुशी होती है? इसने लिखा है अपने बच्चों से। हाँ ठीक लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? मुझसे लड़ाई करके। सही लिखा, सही लिखा। ये गलत है, ये गलत है। तू भाजी सही गल है, खुशी होती है लड़के। सही लिखा है, टिक लगाओ ना। सॉरी, लड़ाई का मौका लग ली। छेवा सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता? इसने लिखा बच्चों के। डेफिनेटली ठीक है, कोई भी बाप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, तो मैंने क्या लिखा है वो भी बताओ। ऑक्सीजन के। इसके बारे में मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन, डेफिनेटली यार ये ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकती है। अच्छा भाई, सातवां सवाल था, खाने में कौन सी चीज बुरी लगती है, यानी मुझे खाने में कौन सी चीज बुरी लगती है? इसने क्या लिखा है? खाने में बुरी चीज आलू बैंगन, जो इसको सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे वो सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी खा लेता हूँ यार। टिंडे, बिल्कुल गलत लिखा। अच्छा आठवां, कौन सा काम करते हुए मौत पड़ती है? इनको तो कोई भी काम कह लो, लेकिन अगर दिल से करें तो कोई भी काम कर लेते हैं। इसने अपनी तरफ से लिखा है हर काम से मौत पड़ती है, लेकिन दिल से करें तो कोई भी करवा लो। है की है भाई, अगर मूड हो तो कोई भी करवा लो, लेकिन कोई भी नहीं करते वैसे काम, कोई भी नहीं पसंद। लखा रुपया टैब ले आ गई, लेकिन मैं काम करता। गजब बेइज्जती है। उन्होंने क्या लिखा है? अपने शोहर की बात मानते हुए। तो सही कहा, ये अपने शोहर की बात मानते हुए इसको मौत पड़ती है, तो मैंने तो ठीक लिखा भाई। तो फिर अच्छा नौवां सवाल। अच्छा पहले ये इसको तो क्लियर करो कि कौन सी बात मैंने आपकी नहीं मानी, ये तो है ही, हर किस गलत है। टीचर बन गए। क्या सोते हुए खराटे मारता हूँ? जी हाँ, मैं मारता हूँ। अपना भी दस। कभी कभी इन्होंने लिखा है कभी कभी, पता नहीं मुझे, आप सोते हुए किसी को पता होता है कौन? हाँ जी, मैं तुहानू पता, मैं मारता ना कराटे, तुसी भी ओके टिक लाओ। मुझे खुद में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अपने बाल। इन्होंने भी यही लिखा, मैंने भी यही लिखा था यार। मैं मुझे तो नहीं बाल पसंद अपने सबसे ज्यादा। आपको पसंद क्या है? मुझे तो नहीं पसंद, मुझे तो सबसे ज्यादा अपने आप में पसंद है अपनी स्माइल। कितने गलत है, यानी चेक करते हैं कि इसके कितने गलत है, मेरे कितने गलत है। अब ये मेरे वाला पहले 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 में से 7 ये पकड़ लो भाई, ये मेरे। अब आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 7 नंबर और 8 नंबर इनको मिले हैं। मैं कर गई हूँ विन। ये मैडम जो है वो विन कर गई है। बहुत मजा आया वाकई में, बहुत। अल्लाह हाफिज। लड़ पे खबर तक मिस्तोर माला रावड़ा, ताजा ताजा गुलू ने द्रे सलोर माला रावड़ा।